साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी। आज हम हैं गौतम रत्ना स्टूडियो में और मेरे साथ पूना से, महाराष्ट्र मुंबई पूना से आए विशेष अतिथि हैं सहारकर सर। और सहारकर सर से पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा को हम शुरू करेंगे। सहारकर सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में कौन विशिष्ट मेहमान है और क्या उनका स्टूडियो में आने का कारण है। मेरा जन्म जो हुआ है वो बाबा साहब की भूमि में हुआ है और मैंने पढ़ाई जो की है ये मैंने पढ़ाई शाहू जी महाराज की भूमि में, और लास्ट 35 ईयर्स से मैं ज्योतिराव फुले की भूमि में रहता हूँ। और मैंने ये जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जो साधु और संत होके गए और महापुरुष हो गए, उन्होंने अपने खुद की जान की परवाह भी नहीं की और कई संत और कई पुढ़ारी को अपनी जान गंवाना पड़ा। और उसके बाद में बाबा साहब ने एक संविधान बना के जो कि स्वतंत्र समता और बंधुत्व देके और उसमें 4 अधिकार दिया उन्होंने, कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेट्स और प्रसार माध्यम। और उन्होंने कहा कि लोगों की उन्नति के लिए चलाया गया राज्य यानी लोकशाही जी। और ये जो चलेगा ये जनता से टैक्स के रूप में पैसा करके चलेगा। और हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने हमें स्वाभिमान से जीने का पढ़ाया, कैसा स्वाभिमान होता है वो, क्योंकि उनके ऐसा बड़ा राजा, छत्रपति राजा वर्ल्ड के अंदर कभी हुआ नहीं, जिनके सरदार मुसलमान थे और उनके पास 18 पगड़ जाति के लोग थे और उन्होंने इतना स्वाभिमान पढ़ाया कि किसी के साथ भी अपने साम्राज्य में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। इसलिए शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया और बाबा साहब को इतना विरोध करने के बाद में भी उन्होंने सभी को एक ही अधिकार दिया है, वो है वोटिंग का। और वो स्वाभिमान से जीने के लिए, यानी स्वाभिमान का मतलब होता है शिक्षण, रोजगार और हेल्थ, ये सभी को मिलना चाहिए। और ये इसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए है ये 100% लोगों से टैक्स वसूल करके हमारा देश का डेवलपमेंट करना है। आज से लगभग 74 वर्ष पूर्व बाबा साहब ये अधिकार हम सब लोगों को दे गए संविधान के रूप से। पूरे देश को समान नागरिक संहिता उन्होंने लागू कर दी और तमाम अधिकार देश के नागरिकों को मिले। इन 75 वर्षों में आप उस वंचित दलित शोषित समाज की स्थिति को कहाँ देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के समय में जब उनको ही स्कूल के अंदर नहीं पढ़ने दिया जाता था, और 75 वर्षों में आज हमारे बच्चे कोट पैंट टाई पहनकर स्कूल जा रहे हैं, तो क्या उन्नति हुई है या मुख्यधारा की जो देश के नागरिक हैं उसमें हम लोग मिक्स नहीं हो पाए अभी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ 1950 के पहले हमारे देश के लोगों की क्या हालत थी। मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कुत्ता, बिल्ली और कोई एक पक्षी पालते तो उसकी पेट की चिंता हम लोग करते, लेकिन ये तीनों जो पशु पक्षी है गांव में जब घूमते हैं उनको कभी पानी मिलता है, कभी अनाज नहीं मिलता, दाना नहीं मिलता है, और कभी दोनों नहीं मिलते, मर जाते हैं। हमारे देश के 85% लोगों की दशा ये गाँव में घूमने वाले पशु पक्षी जैसे रहते वैसी थी। दूसरी बात है ना, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट इतना शोषण किया गया 2600 साल में उनका, और उनका ब्रेन का डेवलपमेंट क्या था ये मैं एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज हम 21वीं सदी में है। आज हमारी बेटी कहते मुझे लड़का बच्चा नहीं चाहिए, उसको बच्चा नहीं होता है। आज बताइए मुझे कि आज अगर हमारी माँ अगर बोलती कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, हम पैदा ही नहीं होते, और पिताजी ने हमें अगर पढ़ा के मेहनत करके अगर बड़ा नहीं किया होता, ये दोनों का हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन आज देखिए, एक कुम्हार ने मिट्टी को आकार दिया, एक पत्थर जो फोड़ने वाला है वडार, उसने पत्थर को आकार दिया। और मैं 7 साल के बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा ये पेन ले और कागज ले और कुछ तो भी निकाल। अभी देखिए, हर वर्ल्ड के अंदर में कोई भी आदमी रो जो माँ बाप का उनके ऊपर उपकार है, वो जो मिट्टी, पत्थर और पेन और कागज, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये कभी भी उनसे बड़े नहीं हो सकते हैं। बाद में देखिए आपका ब्रेन कहाँ लेके गया, तो वो एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ज्वारी या चावल या गेहूँ ये प्लास्टिक के डिटो बनाया और एक रबर का टुकड़ा लिया, उसको चिकन जैसा कलर दिया और आपने मैदान में डाल दिया, तो आप बताइए वो पशु पक्षी और कुत्ता खाएगा क्या?
वो उनको इतना ब्रेन है कि उनको पता चल जाता है ये प्लास्टिक के बनाए हुए अनाज है, और ये कुत्ते को पता चलता है कि ये प्लास्टिक के है। आज बताइए कि हमारा ब्रेन 50 के पहले पशु पक्षी से भी नीचे था, ये हमारी उस टाइम की पोजीशन थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो लिखा उससे तो आज की स्थिति बहुत सुधरी है, बेहतर हुई है। जो बाबा साहब ने उस टाइम में संविधान दिया और जो एक्सपेक्टेशन किया था, उन्होंने बोला था कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन संविधान के इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग अगर सही नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में हमारे देश में देखिए कि पहले जो डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी उसके बाद में देखिए कि हमारे देश के SC ST को OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कोई आमदार हुआ, कोई खासदार हुआ और कोई मिनिस्टर हुआ, लेकिन हमारे देश में पढ़े लिखे लोग जो सदियों से हमारा शोषण कर रहे थे वही थे। इसलिए वो लोग इनके PA, इनके मिनिस्टर के PA और MP के PA होके गए, लेकिन रियली जो चलाता है वो चलाता है मिनिस्ट्री, यानी जो चार जो स्तंभ है वो चलाने वाले के लिए हमको पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो वहां पर तो आपके लोग हैं, 131 सांसद हैं आपके, हजारों की संख्या में विधायक हैं, फिर भी आपके समाज की आवाज नहीं उठा रहे वो लोग। 1950 से देखिए कि हमारे जो लोग थे वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग इंसान स्वार्थी होता है, वो जब पढ़े लिखे नहीं थे उनको पैसा मिल रहा है और उनको जो चीज चाहिए, यानी उनको जो हमारे, अरे सर उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, आज क्या स्थिति है, मतलब देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर 2 अप्रैल जैसा आंदोलन हमारे देश का गरीब किसान और वो जो पढ़े लिखे नहीं थे वो करते हैं, 13-13 बच्चे हमारे शहीद हुए 2 अप्रैल के आंदोलन में, और वो 13 के 13 नौजवान बच्चे वो थे जो जिनके घर वाले बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे समय में हमारे कहाँ है सांसद, कहाँ है हमारे विधायक। हमारे जो सांसद 1950 से हुए उनका जो ब्रेन था उनको पढ़ाई नहीं थी, सोशल स्टडी नहीं थी। जब इंसान को पावर मिल जाता है, पावर मिलने के बाद में हर एक इंसान स्वार्थी है, उसको क्या चाहिए रहता है, उसको पैसा चाहिए रहता है और उसको जो मन को शांति के लिए जो चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट 25 ईयर्स से जिन लोगों ने हमारा शोषण किया है उन्होंने हमारा खून चूसा है और हमारे माँ बेटी का उन्होंने इसके लिए यूज किया, भोग करके यूज किया है, और वही आदत हमारे लोगों को लग गई है और उसी में खुश है, इसलिए वो लोग मुंह से आवाज तक नहीं निकालते, वो यही समझते कि हमारे PA ने हमें कमा के दिया है और उसी वजह से हम सब कुछ पैसा वैसा लेके एंजॉय कर रहे हैं। तीन तीन चार चार राष्ट्रपति आपके समाज से बन गए सर। बनने के बाद में राष्ट्रपति तो इंडिया का लेबर सिर्फ स्टैंप होता है, राष्ट्रपति को तो जो लोकसभा से जो बिल आता है वही उनको स्टैंप करके आगे बढ़ाना पड़ता है। ये जो बनाने जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं 1950 से ये लोग जो बैठे हैं, ये जिन लोगों ने हमारा शोषण किया, देखिए आप खुलकर बताइए कौन लोग हैं, किन लोगों की तरफ आपका इशारा इंगित करता है? आप बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि 25 ईयर्स के बाद में हमें संविधान मिला, उसके पहले हमारे देश में बाहर से लोग आए और 11वीं सदी में हमारे यहाँ कुछ महाराष्ट्र में संत होके गए, वो कई लोगों को मारा गया, और उसके बाद में देखिए कि हमारे महाराष्ट्र में पहली क्रांति जो हुई है वो पंढरपुर में हुई है जी। उसके बाद में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जो हुए 1608 में उनका जन्म हुआ है और उनको 50 में मारा गया, और क्या बोलते हैं कि तुकाराम महाराज जो थे वो पुष्पक विमान से चले गए। उनके बाद में उनका बेटे का जन्म 1857 में हुआ है, जिन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे और जिन्होंने कभी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, उस बिचारे को कपट नीति से पकड़ के उनको 89 में उनके 32 टुकड़े गए मनुस्मृति के हिसाब से, और पुना के ब्राह्मण लोग जो गुड़ी पड़वा होता है उस दिन उसका सर लटकाते हैं। और उसके बाद में देखिए कि 11 अप्रैल 1827 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ, उसके बाद में उन्होंने सावित्री से शादी की और फातिमा शेख ने उनको मदद की, और पुणे में 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाली। उसके बाद में देखिए कि 26 जुलाई 1874 को शाहूजी महाराज का जन्म हुआ, 26 नवंबर 1885 को क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, और उसके बाद में 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। शाहू महाराज ने क्या कहा कि जो भी लड़का स्कूल में नहीं जाएगा उसको हम 1 पैसा फाइन करेंगे, और उन्होंने 50% पहले रिजर्वेशन दिया। और उसके बाद में देखिए
वो 1900 में बिरसा मुंडा को पॉइजन देके मारा गया और शाह महाराज ने बाबा साहब को हेल्प की, उनको पढ़ाया। और 1920 में बाबा साहब ने बोला, शाह महाराज ने बोला कि SC ST OBC 85% के जो लीडर है वो है बाबा साहब अम्बेडकर। और उन्होंने कोल्हापुर के बिंदे चौक में बाबा साहब जिंदा होते हुए भी उनका पुतला किया। और उसके बाद में देखिए भाई साहब कि 20 तक हमारे कोई ग्रंथ में भी हिंदू नाम की हिंदू ये वर्ड है ही नहीं, लेकिन शाह महाराज को 22 में चले गए। उसके बाद में देखिए 25 में आरएसएस ने इसकी आरएसएस की स्थापना हुई। और क्या उन्होंने कसम खाई है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है परंपरा ने संस्कृति। सर कब तक इतिहास को अपने सिर पर ढोते रहेंगे? आप लोगों ने भविष्य के लिए क्या क्या वो बताइए। अभी बाबा साहब ने जब 50 से हमारा संविधान से शुरू हो गया, लेकिन ये देश के जो अधिकार चलाने वाले लोग थे, जो हमारा शोषण करने वाले थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी, क्योंकि उन्होंने 48 में ही बोला था कि हम संविधान को नहीं मानने थे, उन्होंने उसी हिसाब से अपना जो ब्रेन इस्तेमाल करके लोगों का किस तरह से ये करना है उस हिसाब से वो अपना पॉलिसी चला रहे हैं। और उसके बाद में आज देखिए, आज इतनी बड़ी नौबत आ गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज के पोजिशन में मैं आना चाहता हूँ। अभी सर 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र में उनका कर्म स्थल था, काशीराम जी का महाराष्ट्र कर्म स्थान था, लेकिन आप आज तक अपनी सरकार नहीं बना पाए 75 सालों में। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मेरा जन्म 59 का हुआ है जी, मैं जो आज तक के देखा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। मैं पहले स्कूल में गया तो मैं पहले अबक पढ़ा, और उसके बाद में मैंने 70 में मुझे रेडियो पता चला, 80 में हमारे देश में टीवी आया, और 84 में देखे इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद में राजीव गांधी हुए, और सेकंड 90 के दशक में उन्होंने बोला कि इस देश का जो टैक्स आता है 1 रुपया, उसमें से ये 10 पैसा खर्चा करते हैं और 90 पैसा खाते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं चुन के आएगा तो आपको मैं 15 पैसा खाने देगा और 85 पैसा खर्चा करेगा। उस बिचारे के 91 में टुकड़े टुकड़े किए गए और उनके साथ एक भी बड़ा आदमी मरा नहीं है। और उसके बाद में 2000 के बाद में मोबाइल आया और 2012 के बाद में नेट आया। नेट इज इक्वल टू 21st century। सेंचुरी का वर्ल्ड में जो था वही मानूंगा, क्योंकि हमारे 2500 पहले हमारे बुद्ध ने कहा था मैं मानूंगा तो वास्तव्यवादी। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ वर्ल्ड के अंदर में जो होगा वास्तववादी वही बताएगा। और उसके बाद में हमारे देश में एक इजराइल से पेगासस करके एक जासूसी आया, उस टाइम में इन्होंने सभी अपोजिशन लीडर थे उसका जासूसी किया, और 19 में ये सेंटर में भी चुन के आए और स्टेट में भी चुन के आए। तो अभी क्या लगता है कि बहुजन समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप पिछले 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर भी मुख्य धारा में लाना चाहते थे, वो ऐसा क्या करे क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है? और क्या आप EVM की जैसा मुद्दा चल रहा है पूरे देश के अंदर उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब कि अभी देखिए हमें 2 वर्ड में इन्होंने गुलाम करके रखा हुआ है, वो 2 वर्ड है परंपरा और संस्कृति। आप अभी सोचिए आपके घर में जब बच्चा पैदा हो जाता है आप किसको पूछते हो, वो क्या बोलता है? आप 90% राक्षसगण हो, और वो बोलता है लड़का हो गया तो ए नाम रखो, लड़की हो गई तो बी नाम रखो। उसके बाद में देखिए आपके घर में एक काल निंदय या कैलेंडर आया है, वो बताता है आज का दिन ये है, आज ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, आप उसको एग्री करते हैं। आज 75 साल हो गया हमारे देश को स्वातंत्र मिलने के लिए, जो बाबा साहब ने 4 अधिकार दिए थे। आज देखिए हमारे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर के पास 5% लोगों के पास 90% पैसा और प्रॉपर्टी है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में देखे 100% वही लोग बैठे जिन्होंने हमारा शोषण किया, और 90% ब्यूरोक्रेट्स जो है वो वही बैठे हुए हैं। अभी देखिए कि पहले हमारे टीचर लोग थे, आज ये टीचर लोग हो गए, और हमारा सिलेबस बनाने वाले क्या बनाते हैं? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गया, शिवाजी महाराज का गुरु रामदास स्वामी था, और उसके बाद में पढ़ाते हैं कि संभाजी महाराज का मर्डर इसलिए किया गया कि वो व्यभिचारी था, और विद्या की जो देवता पढ़ाने वाले वो सरस्वती, यानी हमें काल्पनिक इसमें रखते हैं। और उसके बाद में हम जब इंटरव्यू दे देते हैं तो उसके बाद में रिटर्न में हम 100 में से 80-90 मार्क मिलाते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल इंटरव्यू लेने वाला आदमी वही रहता है जिसने हमारा शोषण किया। कभी कभी एक आदमी हमारा आदमी रहता है, और मरने के बाद में
कितने बजे जलाना है वो वही बताता है। आज भी इतने सालों के बाद में हमें उन्होंने परंपरा संस्कृति के नाम पे गुलाम बना के रखा है। तो मेरे तीन क्वेश्चन है इन लोगों को कि देखिए, इंसान का, हर एक इंसान का जन्म माँ के पेट से होता है। इन्होंने जो हमारे एक काल्पनिक मनुस्मृति बना के हमारा शोषण किया, सबसे पहले सवाल इन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए मुझे, दुनिया के अंदर में स्त्री या पुरुष ऐसा कभी पैदा हुआ है जो मुंह से भगवान के औलाद, चेष्ट क्षत्रिय और बेम्बी से वैश्य और हम लोग पैर से पैदा हुए? दुनिया के अंदर में काला और गोरा ऐसा भेदभाव हुआ है, लेकिन दुनिया के अंदर में पैदा होती कुत्ता, बिल्ली, गिदड़, कौवा ऐसा कोई उपमा देने वाला है कोई कंट्री में? और उसके बाद में देखिए भाई साहब, हमें जीने के लिए तीन ही चीज की जरूरत होती है, अन्न, वस्त्र, निवारा। अनाज जो है समुद्र में फेंकते हैं, और देखिए कि उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता हूँ। चलिए, ये सब चर्चाएं चलती रहेंगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उनके पास 24 घंटे सातों दिन प्रचारक है, आपके पास क्या है? अभी देखिए, उनसे हम कितना जनरेशन पीछे चल रहे है। आज तो हमारा ये, मैं वही बताना चाहता था कि हमारे 80 करोड़ तो वो सिर्फ यानी गांव में घूमने वाले आज भी है, हम लोग पालतू है, यानी 75 साल में हम सिर्फ दो टाइम की रोटी मिल रही है हमें और एक घर हुआ है। बाबा साहब ने इतना नॉलेज दिया है, 32 डिग्रियां ली और 4 PhD की, उन्होंने इतना नॉलेज दिया, उनका नॉलेज से देखिए कि वो वर्ल्ड उसे आगे जा रहा है। और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए हमें एक मत का अधिकार दिया था, वो भी उन्होंने मशीन में किया, और वो भी काल्पनिक है, मनुस्मृति भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। क्योंकि RSS के भागवत साहब कहते हैं 2000 हमने मनुस्मृति बनाई और हमने आपका शोषण किया। आप देखिए भाई साहब कि इन लोगों ने जब स्वतंत्र मिला तभी बाबा साहब ने बोला था कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अगर बुरे लोग होंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज 75 साल में आदमी देखिए कि हमें वो EVM मशीन ए मनुस्मृति है, हमें सिर्फ क्या दिखता है, कोई प्रैक्टिकल दिखता है, कागज दिखता है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं, वो काल्पनिक एक फिगर दिखाता है और हम लोग बेवकूफ हो रहे। चलिए, ये रोष है उस नौजवान का जो आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले संविधान के बनने के बाद सामने आकर मुखर होकर अपनी बातें रख रहा है, और आज भी युवाओं की तरह वो दहाड़ रहे हैं और आपको चेता रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो हमसे क्या कहता है उस पर चले और अपने आने वाली पीढ़ी को एक कामयाब पीढ़ी बनाएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा साहब के वक्तव्य से आप कहाँ तक सहमत हैं। दीजिए इजाज़त, फिर एक नए इंटरव्यू के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।